हेलो एवरीबॉडी दिस इज प्रवीण पटवारी फ्रॉम एक्चुएटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरे कोर्स के डिटेल्स सो आई टीज दब्जेक्ट सी एम वन सी एम टू एंड सी एस वन सो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स के मन में क्वेरी रहता है कि सर अगर मैं आपसे ट्रेनिंग लेता हूं तो मेरे क्या क्या डिलीवरेबल्स रहेंगे बैच कब से चालू होगा टाइमिंग का क्या होगा सो इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू समराइज ऑल द थिंग्स फॉर यू ओके सो लिसन केयरफुली सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे इन तीनों ही सब्जेक्ट्स का सो रफली हमारा 200 हंड्रेड प्लस आवर्स का प्रोग्राम होता है इन तीनों के लिए ठीक है पेपर ए जो होता है 100 मार्क्स का ठीक है ना पेपर ए जो होता है आपका 100 मार्क्स का दैट इज टेकन बाय मी प्रवीण पटवारी एंड पेपर बी जो होता है वो भी आपका हंड्रेड मार्क्स का होता है दैट इज टेकन बाय शिवांगी मैम ओके सो 200 घंटे का जैसे ही आप हमारे पास में एडमिशन लेते हो आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिल जाता है उसी समय जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का है सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दी सितंबर 2023 अटेम्प्ट ओके एंड नवंबर आई 2023 अटेम्प्ट सो so, जैसे ही आप हमारे पास में एडमिशन लेते हो सबसे पहले आपको जो 200 घंटे का हमारा जो रिकॉर्डेड कंटेंट है लेटेस्ट फॉर अप्रैल एंड मई स्टूडेंट्स जिनको हमने करवाया था तो 200 घंटे का हमारा जो रिकॉर्डेड कंटेंट है वो आपको आपके लैपटॉप पे एंड फ़ोन पे मिल जाता है उसके बाद में जितनी भी सारी हार्ड कॉपीज है जैसे आपके पेपर ए का मटीरियल हो गया पेपर बी का मटीरियल हो गया हमारा कंपाइलर जिसमें सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चनस रहते हैं असाइनमेंट बुक फॉर एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस समरी बुक और टेबल बुक तो ये सारी चीजें आपको हार्ड कॉपीज़ में आपके घर पे मिलती हैं ठीक है मॉक टेस्ट का हमारे यहां पर क्या सिस्टम है मैं आपको बता देता हूं सो इन ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट फॉर सी एम वन सी एम टू एंड सी एस वन सो अगर आप मॉक टेस्ट देखेंगे सो हमारे यहां पर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होते हैं

आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हो ठीक है इन तीनों ही कोर्सेज के लिए हमारी जो बैचेस है वो कैलकटा में ऑफलाइन होती है सेम टाइम में पूरे विश्व भर में से कहीं पर भी आप हमारा ये क्लास लाइव ऑनलाइन कर सकते हैं एंड आप रिकॉर्डेड मोड में भी कर सकते हैं एक जो कॉमन क्वेरी एक स्टूडेंट के मन में आता है कि सर अगर मैंने ऑफलाइन में लिया है तो क्या मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकता हूं वाई से वर्जा सर क्या मैं रिकॉर्डेड और ऑफलाइन दोनों में यस डेफिनेटली फीस एक ही बार लगता है आप इन तीनों मोड्स में मिक्सअप कर सकते हैं बट हमारा रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप जितना हो सके ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास अटेंड कीजिए हमसे इंटरेक्शन बढ़ाइए ठीक है ना सो so, स चैप्टर वाइज मॉकटेस्ट एंड डेफिनेटली फुल मॉकटेस्ट सो फुल मॉकटेस्ट में हमारा क्या सिस्टम है इन तीनों सब्जेक्ट के लिए बेसिकली जो फुल मॉकटेस्ट होंगे द नंबर फॉर फुल मॉकटेस्ट इज ट्वेल्व सिक्स फॉर पेपर ए एंड सिक्स फॉर पेपर बी एंड दीज मॉकटेस्ट आर करेक्टेड बाय मी एंड माई होल टीम आपको जहां जहां पर वीक एरियाज होंगे आपके उनमें हम लोग आपको इंप्रूवमेंट्स प्रोवाइड करेंगे मार्किंग देंगे सजेशंस देंगे कि कैसे आप और आगे इंप्रूव कर सकते हो अगर आप इनको एक स्टिप्युलेटेड टाइम के अंदर सबमिट कर देते हो सो व्हाट इज दैट स्टिप्यटेड टाइम आई विल टेल यू रफ गैस सो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एग्जाम आपका सेप्टेम्बर मिड में है तो हम लोग का उसके

लाइव uh, में भी प्रोवाइड करेंगे आपको जो टाइमिंग रहता है हमारा इन uh, पेपर्स के लिए खास करके मैं बात करूंगा सीएम टू सो सी एम टू में हमारा वर्किंग क्राउड ज्यादा रहता है तो मोर ऑफ दी सेशंस आर देयर इन द वीकेंड्स सो so, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए मैं पर्सनली बेसिकली वीकेंड पे सेशंस तो रखता ही हूं क्योंकि सीएम वन में भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है सी एस वन में भी है सीएम टू में भी है सो वर्किंग प्रोफेशनल्स कैन अटेंड दी वीकेंड सेशन सीएम वन एंड सी एस वन इज मेजरली डन बाय कॉलेज स्टूडेंट्स तो उनका जो टाइमिंग रहता है अगर मैं बात करूं डे बैच स्टूडेंट्स का सो इट गेट्स ओवर बाय फोर सो दैट इज अवर क्लास टाइमिंग मतलब एक जो हमारा बैच होता है वो आपका आफ्टरनून में चलता है जिसका टाइमिंग होता है टेन थर्टी टू थ्री थर्टी ओके और एक जो हमारा बैच होता है उसका टाइमिंग रहता है आपका फोर थर्टी टू सेवन थर्टी ठीक है ना सो so आपका कोई भी बेसिकली uh, अगर टाइमिंग है आपके कॉलेज का तो आप कोई ना कोई बैच में तो क्लास जरूर अटेंड कर सकते हैं फॉर सब्जेक्ट्स सीएम वन एंड सी एस वन सो सी एम वन एंड सी एस वन में अगर किसी स्टूडेंट का कॉलेज मॉर्निंग में होता है या फिर इवनिंग में होता है दे शुड अटेंड दिस बैच एंड अगर कोई स्टूडेंट है जिसका कॉलेज दो बजे तीन बजे चार बजे तक खत्म होता है तो दे शुड अटेंड दिस बैच सो बेसिकली दिस इज नॉर्मली द वीक डे बैच एंड दिस इज द वीकेंड बैच क्योंकि ये वाला जो बैच होता है इसमें वीकेंड पे थोड़े ज्यादा सेशन होते हैं क्योंकि उनका पूरा दिन कॉलेज में ही ऑक्यूपाई हो जाता है राइट सो एंड में आपको कॉलेज टाइमिंग रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी सर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइव क्लासेस सो अगर मैं लाइव क्लासेस की फ्रीक्वेंसी का बात करूं सो रफली फॉर सी एम एंड सी एंड सी एम टू फोर डेज अ वीक हमारा क्लास होता है ठीक है ना अव Batches are starting from May first week onwards, which is next week, and our syllabus will be complete by July second week, second uh, week maximum. Okay na? So roughly हमारा जो course चलता है, ढाई महीने चलता है, ढाई महीने में हम लोग पूरा content uh, cover कराते हैं, and yes. मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे जो क्लासेस है वो एकदम 100% परसेंट लाइव होते हैं बिकॉज दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज 200 घंटे का कंटेंट है हम लोग आपको बीच में कुछ कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखने बोलेंगे अब सर मेरे को रिकॉर्डेड में क्या देखना पड़ेगा कहीं मेरे को कोई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक तो रिकॉर्डेड में हम नहीं देखने बोल देंगे द आंसर इज नो आपको क्या देखने को बोलेंगे जैसे कि मान लो कोई सम्स क्लास हुआ या फिर कोई ईजी कॉन्सेप्ट हुआ कोई मतलब जो आपको तकलीफ ना हो देखने में सो so उस तरीके से हम लोग प्लान करते हैं पूरा प्रॉपर आपको शेड्यूल मिल जाएगा जैसे ही आप हमारे पास में ज्वाइन करते हो एंड प्लीज 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 टाइम पे स्टार्ट करना अगर आप एकदम टाइम पे स्टार्ट करेंगे देन यू विल फिनिश एट टाइम आपके पास टाइम रहेगा मॉक्स अपियर करने का अपनी गलती को एनालाइज करने का और पेपर में अच्छा मार्क्स विथ गुड अंडरस्टैंडिंग रख के आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे पेपर में ठीक है ना सो so, ये चीज है और तो कुछ क्वेरी मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है येस देर इज अ स्मॉल एक्सटेंशन चार्ज सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इमरजेंसी की वजह से आप हमसे बेसिकली जो क्लासेस ले रखे हैं हो सकता है कि आप उस अटैम्प में ना दो जैसे करेंटली वी आर टेकिंग एडमिशंस फॉर सेप्टेम्बर एंड नवम्बर ट्वेंटी थ्री अटेम्प्ट आई एफ ओ ए आई आई सो अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि आ, आपने फीस पे कर दी है एंड आप डेफर करवाना चाहते हो या फिर मान लो आपने एग्जाम दिया बट अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं क्लियर होता जिसका बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है बट अगर ऐसा होता है तो देर इज अ स्मॉल एक्सटेंशन फी ऑफ न थाउजेंड एवरी अटेम्प्ट ओके सो आपका मान लो आपने डेफर कराया छह महीने के लिए और आपको सिर्फ वन थाउजेंड रुपीज पे करना है और कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं है इट विल बी कंसिडर्ड एज अ अडमिशन इट विल बी एज अ दोबारा से सारा लाइव क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन जो नया सेट ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर होगा जो भी लेटेस्ट हमारे रिसोर्सेज होंगे डेफिनेटली हम लोग दोबारा से हार्ड कॉपी में नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे सो वी विल बी प्रोवाइडिंग विद सॉफ्ट कॉपी ऑफ द लेटेस्ट रिसोर्सेज ओके मॉक टेस्ट अगेन आप दोबारा से सारा अपियर कर

सी एस वन का हमारा जो फीस है दैट इज ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सी एम टू का जो हमारा फीस है दैट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ओके दैट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सो करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग टेन परसेंट ऑफ इन ऑल दीज कोर्सेस सो अगर आप एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर में एनरोल कर लेते हो सो डेफिनेटली विल बी एलिजिबल फॉर दिस टेन परसेंट ऑफ वाला थिंग ओके okay, सो so आपका जो एप्लीकेबल uh, फीस रहेगा दैट विल बी ट्वेंटी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फॉर सी एम वन फॉर सी एस वन इट इज ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फॉर सी एम टू इट इज ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके अब एक जो कॉमन क्वेश्चन रहता है uh, जो एक मिथ है कि uh, मतलब आप लोग डाउट कैसे सॉल्व करेंगे राइट right? मिथ नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा कि एक जो कॉमन क्वेरी रहता है एक स्टूडेंट के मन में कि आप लोग डाउट कैसे सॉल्व करते हैं सो बेसिकली देखिए बहुत सारी मैकेनिज्म है सबसे पहले अगर कोई बच्चा सारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहा है और वो हमारा ग्रुप फॉलो कर रहा है और वो सारा लाइव क्लासेस कर रहा है तो मेरे को नहीं लगता है कि देर इज एनी स्कोप फॉर डाउट्स बींग लेफ्ट बिकॉज आप देखोगे फोर टू फाइव सेशन एवरी वीक हो रहे हैं okay? ओके जिसमें शिवांगी मैम भी ले रही है तो नॉर्मली छह से सात सेशन हो जाता है एवरी वीक तो उसमें मेरे को नहीं लगता जब आपका क्लास ऑलमोस्ट एवरी डे हो रहा है या फिर एवरी ऑल्टरनेट डे हो रहा है तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको डाउट पूछने का मौका नहीं मिलेगा कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेरी रहता है कि सर विल यू एंटरटेन अस बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग इन फिजिकल फॉर्मेट डेफिनेटली इफ यू हैव पेड द सेम अमाउंट ऑफ फीस देन वाई नॉट मतलब ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि भाई खाली फिजिकल के बच्चों का डाउट्स क्लियर हो रहा है और ऑनलाइन के बच्चों का डाउट्स नहीं क्लियर हो रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है सब बच्चे समान है सब बच्चों ने सेम फीस दिया है तो ऐसा कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होता है कि भाई जो बच्चे फिजिकल में है उनको प्रेफरेंस मिल रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों को अवॉइड किया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं होता है ठीक है ना वी आवर प्लेटफॉर्म इज गूगल मीट्स दर इज अस्टम ऑफ रेजिंग हैंड एंड पोस्टिंग अ क्वेरी इन द चैट बॉक्स एज एंड वेन यू पोस्ट द क्वेरी डेफिनेटली इट विल बी रेड अंडरस्टूड एंड हम लोग पूरा लाइवली एनवायरमेंट में टेन करते हैं क्लास में वैसा कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है ओके okay? अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर से भी कर रहे हो और आपको डाउट डाउटराइज होता है वी हैव ऑफ स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर जैसा कि मैंने आपको बताया हर एक इनका जो टेलीग्राम ग्रुप्स या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उनमें आपको स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स मिलेंगे आप जैसे ही अपना क्वेरी पोस्ट करते हो या तो कोई स्टूडेंट उसका रिप्लाई करता है मैं अगर अवेलेबल रहता हूं तो मैं रिप्लाई करता है करता हूं शिवांगी मैम रिप्लाई करती है एंड वो जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं उनका मेन पर्पज ही ये है कि भाई वो आपका वन टू वन बेसिस में ग्रुप में डाउट सॉल्व करे बट मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं कि वैसी उतना दरकार नहीं आता है बिकॉज क्लासेस का जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी हाई है ठीक है ना तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है एंड समथिंग एडिशनल दैट आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट माय इंस्टीट्यूट इज दैट कि जो एक प्लेसमेंट वाला जो चीज़ होता है कि भाई एक गाइडेंस होता है कि कौन से पेपर के बाद कौन सा देना चाहिए uh, इसके संग क्या मिक्सअप कर सकते हैं सो डेफिनेटली वी हैव गॉट आवर ओन वेबसाइट फॉर दैट जिसमें अगर आप हमसे नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी बेसिकली आप उस वेबसाइट uh, का पार्ट uh, बन सकते हैं ठीक है ना सो दैट इज ए आई फोरम्स डॉट कॉम ओके सो ये वेबसाइट है टोटली प्लेसमेंट रिलेटेड डेफिनेटली वी प्रोवाइड प्लेसमेंट असिस्टेंट स एंड गाइडेंस टू ऑल अवर स्टूडेंट्स इन हाउसेंट्स के लिए भी क्वेरी रहता है कि कैसे सीवी बनाना है कैसे अप्रोच करना है एवरी थिंग गेट सॉर्टेड एंड आप इस फोरम में चेक कर सकते हो कि हमने क्या काम किया है ठीक है ना सो बेसिकली डेफिनेटली हम लोग प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं ओके सो यस दीज आर सम मेजर एस्पेक्ट दट आर कवर्ड सो so, और एक चीज जो मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा अगर आपको और कोई भी क्वेरी है जो आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए देन यू कैन गेट इन टच विथ अस ओके अवर कॉन्टैक्ट नंबर आर एट वन डबल जीरो फाइव नाइन एट फाइव फोर थ्री एंड एट फाइव एट टू नाइन जीरो एट नाइन फोर नाइन ओके सो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं एंड मैं अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर देता हूं नाइन जीरो थ्री एट वन वन नाइन ट्रिपल फाइव ठीक है ये तीन सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूं बट यस इन आवर इंस्टीट्यूट हम लोग सारे पेपर्स का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ओके द पेपर्स आर सी एस वन सी एस टू सी एम वन सी एम टू सी बी वन सी बी टू सी पी वन सी पी टू सी पी थ्री okay and if any student wants to specialize in the investment and derivatives domain then definitely for them we have got uh, training for sp5 and SP, uh, sp5 and sp6 as well okay so these all are the courses that are being provided and अगर आपको और कोई भी एसपी लेवल के लिए कोई भी टाइप का गाइडेंस चाहिए या फिर मेंटरशिप चाहिए देन डेफिनेटली वील बी कनेक्टिंग यू टू अवर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वर्किंग इन दैट डोमेन एंड दे हैव ऑलरेडी क्लियर दोज एग्जाम्स सो येस देर इज अ वेरी होलिस्टिक गाइडेंस दैट इज प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टूडेंट्स ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड अपार्ट फ्रॉम दीज इफ यू हैव एनी क्वेस् रिगार्डिंग द कोर्स सो यू कैन जस्ट ड्रॉप इन अ कमेंट इन दैट बॉक्स ओके Thank you all of you.